नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी 24। आपके साथ मैं हूं सुनील विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है जबलपुर से, जहां एक बार फिर आमने सामने हुए हैं भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ता। जबलपुर पश्चिम के भाजपा प्रत्याशी पर आरोप लगा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं और लोगों से अभद्रता करने का आरोप लगा। स्थानीय लोगों ने बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। धन्वंतरी नगर क्षेत्र के शांति नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। आप देख सकते हैं जहां एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए हैं। जबलपुर पश्चिम के भाजपा प्रत्याशी पर आरोप लगा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं और लोगों से अभद्रता करने का आरोप लगाया गया। अधिक जानकारी के लिए जुड़े हैं संवाददाता मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद, कैसे देखा जाए, इसके पूर्व की अगर बात करें उस वक्त भी हमने देखा कि भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रत्याशी आपस में भिड़ गए, एक बार फिर कमोबेश वैसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल सुनील, बता रहा हूँ, जबलपुर चुनाव प्रचार लगातार जारी था, जिसके चलते पूर्व में यहाँ पर एक विवाद देखा गया था जिसमें कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। लेकिन एक बार फिर जबलपुर पश्चिम पूर्व पश्चिम विधानसभा में देखा जाए फिर से कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने यहाँ पर देखे गए हैं। आपको बता दूं, कल क्षेत्र में प्रचार के दौरान जो भाजपा प्रत्याशी है हरेश सिंह बब्बू जो है अपने समर्थकों के साथ वहाँ पर गए, क्षेत्र में गए थे। इसके चलते वहाँ पर कुछ क्षेत्रवासियों से कुछ बातें हुई थी, कहा तो नहीं हुई, जिसके चलते उन्होंने भी जो वहाँ की क्षेत्रीय से भी सब कहा और गाली गलौज करते हुए तो वही पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वहाँ पर सामने आ गए और उससे बातचीत हो गई, बहस ऐसा हो गई, इसके चलते वहाँ पर दोनों आमने सामने आ गए थे। लेकिन शरीफ, सवाल ये निकल कर सामने आता है कि चलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भाजपा प्रत्याशी ने अभद्रता की, ये समझ में भी आती है बात राजनीतिक तौर पर, लेकिन अगर स्थानीय लोगों की बात की जाए, स्थानीय लोगों ने भी बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ नारेबाजी की है, क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि अब इसका फायदा कांग्रेस उठाएगी? बिल्कुल, बता दो, जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने जो प्रत्याशी का जो विरोध किया है उनका साफ कहना है कि पिछले 5 सालों में कभी ये चीज यहाँ पर समस्या सुनने यहाँ पर क्षेत्र में नहीं आया, लेकिन अब ये जो है वोट मांगने के लिए यहाँ पर आ गए, जिसके चलते उन्होंने वहाँ पर उनको प्रत्याशी फरी कोटी सुना। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा कांग्रेस को पूरी तरह मिल सकता है। सुनील, बात की जाए बीजेपी प्रत्याशी की तो क्या आपकी बात हो सकी, क्या कुछ उनके बयान सामने आए? बिल्कुल, उनका साफ कहना है, वो उन्होंने मीडिया से बात करते साफ उन्होंने कहा है कि ये जो क्षेत्रीय लोग हैं यहाँ के पागल हो गए हैं, ये तरुण भनोत को आरोप लगाते हुए कहा कि तरुण भनोत के बिके हुए लोग हैं, इसलिए तरुण भनोत की तारीफ कर रहे हैं, इसलिए ये लोग ऐसा यहाँ पर कर रहे हैं। जी सुनील, लेकिन सवाल ये भी सामने आ रहा है कि एक बार चुनाव हो जाते हैं उसके बाद जो प्रत्याशी हैं वो जनता के पास नहीं जाते, लेकिन अगर 5 साल के बाद आप जनता के पास जाते हो विकास कार्यों का हवाला देते हुए और काम भी आपके द्वारा नहीं किए जाते तो जनता का आक्रोश तो लाजमी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरीके से प्रत्याशी जो भी हो वो अगर जनता के बीच जाएंगे वो समस्याओं का निराकरण करेंगे तो जाहिर सी है कि जनता उनको पसंद करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं 5 साल वो लोग क्षेत्र में नहीं जाते हैं और ना उनकी क्षेत्र की समस्या को हल करते हैं, जाहिर सी कहीं ना कहीं इनका गुस्सा करना लाजमी है। जी चलिए, जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो जबलपुर से बड़ी खबर तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, जहां एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है।